हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक। आप लोगों ने कावासाकी का नाम सुना ही होगा, जो अपने चीते जैसी रफ्तार के लिए फेमस है। कावासाकी की एक बाइक है निंजा H2, जिसके आगे फाइटर जेट भी घुटने टेक देती है और ये बाइक पूरे वर्ल्ड में अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। इस बाइक का टॉप स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर की है और इसका प्राइस ऑन रोड मुंबई 50,94,090 रुपये तक पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो कावासाकी की बाइक काफ़ी लंबे टाइम से कम सीसी के बाइक इंडिया में नहीं है। कावासाकी निंजा 300 को छोड़ के इंडिया में फिलहाल 300 सीसी से कावासाकी की बाइक स्टार्ट होती है। बट आप लोगों में से बहुत से लोगों ने बहुत टाइम पहले कावासाकी बॉक्सर देखा होगा, जो इसकी सबसे कम सीसी की बाइक थी। लेकिन अब इंडिया में भी कावासाकी भी कम सीसी वाले बाइक को लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम कावासाकी W175 होने वाला है। जी दोस्तों, बहुत जल्द ही इंडिया में आपको कावासाकी W175 देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाइक इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कावासाकी W175 के सारे फीचर, प्राइस, लॉन्च डेट, A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में इंडोनेशिया और थाईलैंड में पहले से लॉन्च हो गई है और इसके काफ़ी सारे वेरिएंट भी है, जैसे W175, W25, W800। बट इंडिया में W175 आने वाली है, तो अब बात कर लेते हैं कि ये बाइक इंडिया में कब देखने को मिल जाएगी। ये बाइक आपको 2021 के जनवरी से अप्रैल के बीच में देखने को मिल सकती है और इंडोनेशिया में इस बाइक का एक शोरूम प्राइस 1,44,000 है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस बाइक में क्या कुछ हमें मिलने वाला है। आपको कावासाकी W175 में 177 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सरेंडर एयर कूल्ड SOHC FI इंजन देखने को मिल जाएगा और अगर इसके पावर की बात करें तो 7,500 RPM पे 13 PS का पावर और 6,000 RPM पे 13.2 Nm का टॉर्क मिल जाएगा 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ। अगर इस बाइक के डिज़ाइन की बात करें तो इस बाइक का डिज़ाइन रेट्रो लुक वाले बाइक जैसा लुक दिया गया है इस बाइक को। ये बाइक सीधे टक्कर यामा की XSR 155 को देने वाली है, हालांकि देखना ये होगा कि कौन सी बाइक बाजी मारती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसका ब्रेकिंग सिस्टम। ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ है, मतलब फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक। इंटरनेशनल मार्केट में ये विदाउट ABS है, क्योंकि वहाँ की सड़कें अलग होती है और इंडिया की सड़कों का हाल आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इंडिया में ABS कंपलसरी है, तो आपको इंडिया में ये बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 220 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा और रियर में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में 30 mm का टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में स्विंग आर्म डुअल शॉक ऑब्जर्वर को लगाया गया। व्हील्स की बात करें तो W175 में फ्रंट और रियर दोनों में 17 इंचेस के स्पोक व्हील को देखने को मिल जाए। टायर की बात करें तो फ्रंट में 80x100 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाता है और रियर की बात करें तो 100x90 सेक्शन के टायर के साइजेस को देखने को मिल जाता है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल अपडेट नहीं मिल पाया है कि ये ट्यूबलेस टायर होने वाले हैं या ट्यूब टायर होने वाले हैं। बाइक की डायमेंशन की बात करें तो ओवरऑल लेंथ 1930 mm, हाइट 103 mm, व्हील बेस 1275 mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 165 mm देखने को मिल जाता है। कावासाकी W175 का कार्बोरेटर 126 kg होने वाला है और इस बाइक का सीट हाइट 780 mm होने वाला है। पेट्रोल टैंक कैपेसिटी 13.5 लीटर का होने वाला है। माइलेज को लेकर अभी तक कंपनी ने कुछ खास शेयर नहीं किया है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल फीचर की बात करें तो आपको इसमें क्लासिक लुक वाला कंसोल देखने को मिलेगा, डिजिटल कंसोल देखने को नहीं मिलने वाला है, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जैसे स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल। लाइटिंग की बात करें तो आपको इसके हेडलाइट में हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ इसके चारों इंडिकेटर में भी हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाएगा और इसके टेल लाइट में भी आपको बल्ब देखने को मिल जाता है। और अगर इस बाइक के कलर वेरिएंट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे कलर वेरिएंट है, पर देखना ये होगा कि इंडियन मार्केट में कौन से कलर वेरिएंट को लॉन्च किया जा रहा है। अभी आपके स्क्रीन पे मैं 2-3 कलर वेरिएंट आपको दिखा देता हूँ, ये कलर वेरिएंट आपको इंटरनेशनल मार्केट में मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि अब इसका प्राइस इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है। इंडिया में इसका एक शोरूम प्राइस 1,25,000 से लेकर 1,40,000 तक हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट ये होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, जिस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।